नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में काकोरी थाना क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस टीम ने किया खुलासा। डीसीपी पश्चिम राहुल राज की टीम ने 3 दिन पूर्व हुई हत्या का किया खुलासा। हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस टीम ने आला कत्ल भी किया बरामद। डीसीपी पश्चिम राहुल राज ने गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का पुरस्कार देने की घोषणा की। 19 मई को थाना काकोरी के दोना गांव से अमित रैदास नाम का एक लड़का 1 बजे अपने घर से यह कहकर निकला कि मुझे कुछ पैसे लेने हैं, फिर उसके बाद वापस लौट कर नहीं आया। तो उसके परिवारीजन ने अगले दिन यानी 20 मई को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। उसके बाद उसी दिन 20 तारीख को शाम को लगभग 6:30 बजे उसकी डेड बॉडी सकरा गांव में एक ऑफिस जो कि प्रॉपर्टी डीलर का था और वो खुला हुआ था उसमें उसकी पाई गई। इस पर काफ़ी गंभीर चोटें थी। उसके चेहरे पर, पेट पर, गर्दन पर सब कटे हुए थे। ब्रूटल मर्डर था। तत्काल हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया, फील्ड यूनिट को बुलाया और सारी जितनी भी प्रोफेशनल पुलिसिज्म का होता है सारा हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए और उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मुकदमा पंजीकृत कराया गया 302 IPC के तहत। इसमें हम लोगों ने हमारी थाना काकोरी की टीम, हमारे एडिशनल CP और ACP और पूरे थाने की टीम ने बहुत मेहनत किया और हमारी सर्विलांस की टीम भी लगातार लगी रही। आज इस घटना का खुलासा हुआ है। 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से जिस आला कतल यानी बांका से जो है उसकी हत्या की गई थी वो बांका भी बरामद किया गया है। साथ ही मृतक की मोटरसाइकिल के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और वो भी जल्दी बरामद होगी। इसमें जो इनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जो मृतक अमित रैदास था ये एक साथी सुमित को जो है 28,000 रुपये इसने दिया था और वो बिरजू उर्फ विजेंद्र शर्मा के कहने पर दिया था। सुमित की कुछ दिन बाद डेथ हो गई, इसका पैसा वापस नहीं मिला तो इसने जो है विजेंद्र और बिरजू को दबाव देने लगा कि हमारा पैसा अब तुम दो क्योंकि तुमने पैसा दिलाया था। विजेंद्र गिरफ्तार होकर आया और उससे पूछा कि उसने बताया कि मुझे 1 महीने से नींद नहीं आ रही थी और बार बार हमारे पर दबाव दे रहे थे तो मैंने इनकी हत्या की योजना बनाई और उसके तहत इसने अपने अन्य साथी सत्येंद्र को और एक नसीरुद्दीन को भी इसने बुलाया और उस दिन अमित को यह कहकर बुलाया कि तुम जो है तुम्हें पैसा दूंगा आ जाओ। हालांकि ये लोग रोज जो है उस जगह पर जिस जगह पर हत्या हुई थी वहाँ पर इनकी बैठकी साथ में होती रहती थी लेकिन उस दिन इसने योजना के तहत बुलाया। इन लोगों ने बियर पिया वहाँ पर और बियर पीने के बाद बांके से जो है बिरजू ने उस पर अटैक किया जिसमें इसके दोनों ही जो सहभागी थे नसीरुद्दीन और सतेंद्र ये भी दोनों वहाँ पर साथ इसका दिए और इस प्रकार से इसकी हत्या कर दिए।